इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फ्रेंचाइज आ रहा है वापस धूम मचाने। सुपर गर्ल को मिल गया उसका विलन और ब्लेड पर आई है नई अपडेट। इन सारे DCU, MCU, इंडियन मूवी खबरें मिलेंगी नर्डी न्यूज एपिसोड 7 में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अनदर रिव्यू। जैसा मैंने इंट्रो में कहा था, इंडिया का सबसे बड़ा मूवी फ्रेंचाइज आ रहा है वापस। मैं बात कर रहा हूँ धूम फ्रेंचाइज की, जिसके नए मूवी पर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। धूम 4 फाइनली बन रही है और एक बड़ा एक्टर एज एंटागनिस्ट साइन हो गया है। जहां पार्ट 1 में एंटागनिस्ट के रोल में थे जॉन इब्राहिम, धूम 2 में उस रोल को निभाया था धूम मचाते हुए ऋतिक रोशन ने, धूम 3 में इस रोल को निभाया था डबल रोल में आमिर खान ने, और अब धूम 4 के लिए साइन किया गया है रणबीर कपूर को, जो निभाएंगे एंटागनिस्ट का किरदार। रणबीर का लाइनअप काफी इंप्रेसिव है। वो पहले खत्म करेंगे रामायण 1 और 2 और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर को, और उसके बाद वो जुड़ जाएंगे धूम 4 के साथ, और उसी के बाद वो एनिमल की सीक्वल एनिमल पार्क पर काम शुरू कर देंगे, विच आर ह्यूज फिल्म्स। वैसे ये धूम 4 धूम फ्रेंचाइज का पूरा रिब्यूट होगा, यानी कि अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा का एम्प्लॉयमेंट कार्ड हुआ खत्म, जिन्होंने पिछली फिल्मों में जय और अली का किरदार निभाया था। उनके रोल को भी रिकास्ट किया जाएगा यंगर स्टार्स के साथ। कहानी को भी लॉक कर दिया गया है आर्टिकल के मुताबिक, जिस कॉन्सेप्ट को उभारा है आदित्य चोपड़ा, राइटर विजय कृष्ण आचार्य ने, और बाकी की कास्टिंग हो गई अब शुरू। हर चीज बदल रही है पर एक चीज कॉन्स्टेंट है, वो है विजय कृष्ण आचार्य, जो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे आर्टिकलों के मुताबिक, जो मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग चॉइस है एज उनकी डायरेक्टोरियल ट्रैक रिकॉर्ड काफी वीक है। उन्होंने ताशन थग्स ऑफ हिंदुस्तान, द ग्रेट इंडियन फैमिली जैसी फिल्में डायरेक्ट की है, सारी की सारी बुरी फिल्में हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। उन्होंने धूम 3 को भी डायरेक्ट किया था, जो धूम फ्रेंचाइज की सबसे वीकेस्ट फिल्म है। रणबीर बाबू थोड़ा संभल के। क्या 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 क्या? अच्छा, हॉरर फिल्म तुम्बाड़ बड़ा नाम कमा रही है फिर से, क्योंकि री रिलीज कर दिया गया है फिल्म को। 2017 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, नाम तो बहुत कमाया था फिल्म ने, पर पैसे कमा नहीं पाई, जो अक्सर होता है अच्छी चीजों के साथ। वैल्यू नहीं होती इस देश में अच्छी चीजों की, बुरा लगता है भाई। तुम्बाड़ जो बेस्ड थी मराठी फोक टेल पर, उसे मैं एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म मानता हूँ। इस मास्टरपीस का सीक्वल अनाउंस हो गया है। री रिलीज के बाद आखिरी क्रेडिट्स के दौरान ही इस सीक्वल को अनाउंस किया गया, पर अफसोस तुम्बाड़ फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर राही अनिल बर्वे वापस नहीं आ रहे। उन्होंने एक पोस्ट के साथ कंफर्म किया इस चीज को। भूल भुलैया 3 का टीजर आ गया है, जहां विद्या बालन और मंजुलिका वापस आई है, पर इस बार बिस्तर नहीं सिंहासन उठा रही है मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक। कार्तिक आर्यन भी वापस आ रहे हैं भूल भुलैया 2 के अपने रोल रू बाबा के कंटिन्यूएशन में, पर क्यारा आडवाणी वापस नहीं आ रही है, जो बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को और दिल टूट गया मेरा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। डिसअपॉइंटमेंट को भरने के लिए इस फिल्म में हीरोइन का रोल करने वाली है भाभी 2, यानी कि तृप्ति डिमरी। हालांकि मुझे नहीं लगता इस फिल्म में मंजुलिका का किरदार विद्या बालन निभा रही है, मुझे लगता है मंजुलिका बनने वाली है ये औरत। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने जिनकी थोड़ी बहुत झलकियां दिखती है इस ट्रेलर में, वो निभा रही है मंजुलिका का किरदार मेरे हिसाब से। बाकी अनीस बासमी ने अपना टिपिकल ह्यूमर भी डाला है टीजर में, तो सब कुछ मिलेगा इस भेलपुरी में जिसका नाम है भूल भुलैया 3, जो आ रही है इस दिवाली सिंघम 3 के खिलाफ, जिस फिल्म में भी बाल्टी भर के स्टार्स हैं। आइकॉनिक फिल्म रंग दे बसंती 3 इडियट्स गोलमाल 1 के स्टार शर्मन जोशी देखने वाले सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर में। शर्मन ने भाई को बोला एक पार्टी में साल रहने का, ये नहीं, उन्होंने बोला उनको चाहिए काम, और सलमान ने बड़ा दिल खोल के बोला तू सिकंदर कर रहा है, और उनका रोल लिखा गया सिकंदर मूवी में। वैसे AR मुर्गदोस का रिकॉर्ड एज डायरेक्टर कुछ खास अच्छा नहीं है, पर शर्मन का एडिशन एक क्रेडिबल एडिशन है इस फिल्म में। फिल्म 2025 की ईद में रिलीज होगी। अब आते हैं कुछ DC न्यूज में। जिस आदमी ने कैप्टन अमेरिका ब्रेड यू वर्ल्ड के रीशूट की पोर्शन लिखे है, उनको जेम्स गन साहब ला रहे हैं DCU में, पर किसी सुपर हीरो प्रोजेक्ट के लिए नहीं, एक सुपर विलन प्रोजेक्ट के लिए। अटकले है कि राइटर मैथ्यू ऑर्टन डेवलप कर रहे हैं गन के DCU के लिए एक बेन और डेस्ट्रॉ की डुओ मूवी, क्यों मुझे पता नहीं, क्या इसकी जरूरत थी वो भी पता नहीं। Perfectly not confusing. अब क्या बोले, लग रहा है गन साहब मार्वल से नहीं सोनी से इंस्पिरेशन दे रहे हैं अपनी फिल्मों के लिए। It's a stupid ass decision. बेन और डेस्ट्रोक दोनों बैटमैन के विलन्स हैं। बेन के रोल में दिखे थे टॉम हार्डी नोलन के डार्क नाइट राइजेस में, और डेस्ट्रोक के रोल में दिखे थे जो मैंगनीलो एक कैमियो में। अब इन दोनों असैसिन विलन्स की कहानी वो भी एक साथ कहने की जरूरत क्यों पड़ गई वो पता नहीं। हो सकता है कि गन साहब अपने दोस्त डेव बटिस्टा के लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको बेन का रोल करना तो था। इंटरेस्टिंग। वही लैंटर्स की कास्टिंग पर लग गया है विराम, एटलीस्ट एक बड़ा ग्रीन लैंटर तो हो गया है कास्ट। पिछली नर्डी न्यूज वीडियो में मैंने कहा था कि ग्रीन लैंटर हैल जॉर्डन का रोल ऑफर किया गया है MCU के थानोस जॉश ब्रोलिन को, पर ब्रोलिन ने कह दिया नाना नाना नारे, और अब इस रोल के लिए कास्ट किया गया है फ्राइडे नाइट लाइट एमी विनर काइल चैंडलर को, जो इतना बड़ा नाम नहीं है पर बड़े नाम से अच्छी फिल्में कभी बनी है। रॉक भैया से पूछ लो। हायरार्की ऑफ पावर इन द DC यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज। नहीं। ओजार्क सीरीज के क्रिस मंडी
वॉचमैन के डेमियन लिंडलॉफ और आइकॉनिक कॉमिक बुक राइटर टॉम किंग डेवलप कर रहे लैंटर्न सीरीज को गन के डीसी का पार्ट ये सीरीज। अब जब हैल मिल गया, जॉन स्टुअर्ट की तलाश शुरू हो गई है जिसके लिए उनको चाहिए एक जवान छोड़ा। दो नाम आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो की है नेटफ्लिक्स थ्रिलर रिबल रिच के स्टार एरन पेरी जो एक वक्त पर ब्लेड मूवी के साथ भी अटैच थे और द पियानो लेसन के एक्टर स्टीफन जेम्स। खबर मिलते ही खबर देगा अपन। अब डीसीयू फुल ऑन कास्टिंग स्प्री पर चली गई है, उनकी एक और प्रोजेक्ट पर कास्टिंग खबर आ गई है। वो प्रोजेक्ट है सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो जो पेस्ट है टॉम किंग की कॉमिक बुक इश्यू पर, इसका नाम भी यही था। इस फिल्म में सुपर गर्ल बन रही है हाउस ऑफ ड्रैगन स्टार मेरी एलकॉक। उनके इस फिल्म में विलन का रोल निभाएंगे रास्टर बोन एक्टर मैथायस कॉनर्ट्स। वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक में विलन था क्रेम नाम का किरदार जिसने एक छोटी एलियन बच्ची के बाप को मारा था। वो बच्ची मिली सुपर गर्ल से जिसकी वजह से सुपर गर्ल क्रेम के अगेंस्ट भिड़ी उस कॉमिक बुक रन में। तो शायद मैथायस क्रेम का किरदार ही निभा रहे हैं इस फिल्म में। आई टोनिया फिल्म के डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और एना निगोरा फिल्म को लिख रही है ओरिजिनल कॉमिक बुक राइटर टॉम किंग के साथ। किनी रूस की प्रचलित एक्शन फ्रेंचाइज जॉन विक जिसकी शुरुआत हुई थी कुत्ते की मौत के बदले के साथ, अब उसी फ्रेंचाइज का बन रहा है एक स्पिन ऑफ मूवी जिसका टाइटल है बैलरीना, जहां दिखेंगी एक्ट्रेस एना दे एमरस लीड रोल में। ये फिल्म सेट होगी जॉन विक 3 और जॉन विक 4 के बीच में, जहां शायद एना के छुटपन में उसे पहुंचा दिया जाएगा बैलरीना की दुनिया में इयान मिक्शन के किरदार विंसेंट स्कॉट के द्वारा। बैलरीना की दुनिया की थोड़ी बहुत झलक जॉन विक 4 में भी दिखी थी। एना देखती है फुल ऑन एक्शन मोड में जहां वो दरवाजे से बॉम्ब को रोकती है। वाटर फायर का भी इंटरेस्टिंग इस्तेमाल दिखता है इस टीजर में। फाइनली कैमियो करते हैं बाबा यागा यानी कि जॉन विक तो दिखेंगे एक एक्सटेंडेड कैमियो में इस फिल्म में। आप पूछेंगे जॉन विक 4 में तो किन्नू का किरदार मर चुका है तो वो यहाँ कैसे दिख रहा है? वो यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मूवी जॉन विक 4 के पहले सेट है तो जॉन का यहाँ होना सरप्राइजिंग नहीं है। ट्रेलर बहुत अच्छा है जिसने मेरे एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। इस फिल्म के लिए फिल्म रिलीज हो रही है June 6, 2025 को। अब आते हैं कुछ एमसीयू न्यूज में। एमसीयू में आने वाला है नया वेनम। स्पाइडरमैन नो वे होम के क्रेडिट सीन में टॉम हार्डी दिखे थे एज वेनम एके एडी ब्रॉक जो एमसीयू के 616 में आके फंस गए थे, पर स्पाइडरमैन के स्पेल के रिवर्स होने के बाद एडी वहां से निकल गया अपनी दुनिया के लिए और छोड़ गया उसके कुछ काले अंश यानी कि वेनम का गु। कुछ रिपोर्ट्स आई है कि ये गु जाके चिपकेगा इस आदमी को जो कि है माइकल मैंडो जिन्होंने निभाया था स्पाइडरमैन होमकमिंग में मैक गार्गन का किरदार जो स्पाइडरमैन की कॉमिक रोल में बना था स्कॉर्पियन। आप सोचेंगे स्कॉर्पियन बनेगा वेनम ये कैसे? कॉमिक्स में ये हुआ था कि वेनम ने जाके स्कॉर्पियन की बॉडी को अपना लिया था और कुछ दिनों के लिए स्कॉर्पियन बन गया था वेनम, पर ये आया है एक रूमर के शक्ल में, कंफर्म न्यूज नहीं है अभी तक। पर मैंडो का नाम एज ए पोटेंशियल विलन इन स्पाइडरमैन 4 काफी चल रहा है तो फाइनली स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखाई ये टीज फुलफिल हो सकता है स्पाइडरमैन 4 में। कई लोगों को लगता है कि एगाथा ऑल अलोंग कोई नहीं देखने वाला था, कोई हाइप नहीं था सीरीज को लेके, पर एमसीयू की ताकत आप नहीं जानते बाबू मोचाए क्योंकि एगाथा ऑल अलोंग के पहले दो एपिसोड को मिले हैं 9.3 मिलियन व्यूज जो काफी अच्छा है। तो जो लोग कह रहे थे एमसीयू मर चुका है खत्म हो चुका है सबके मुंह में करवा करेला, एमसीयू इज हॉट एंड किकिंग, उत्सव की तैयारी करो। वही डेडपूल वुल्वरीन के दो रिलेटेड सीन्स रिलीज किए गए और दोनों में है मैथ्यू मैकफेडन का किरदार पैराडॉक्स। गुड डे मिस्टर पैराडॉक्स। एक में उनके साथ है रायन रेनल्ड्स एके डेडपूल, जहां पैराडॉक्स रायन एके डेडपूल को बताने की कोशिश कर रहा है कि 616 यानी कि सीक्रेट यूनिवर्स कितना महान यूनिवर्स है जिस पर डेडपूल रेफर करता है एंटमैन वॉस क्वांटमेनिया के अपार असफलता पर, और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नाम भी लेता है। ये सीन इन दोनों के बीच इन सीन्स के बीच घटित हुआ होगा जहां पैराडॉक्स डेडपूल को पकड़ के टीवी में ले आता है और फिर डेडपूल एमसीयू के सुपरहीरोज के विजुअल्स देखता है टीवी के स्क्रीन्स पर। दूसरे सीन में पैराडॉक्स के साथ दिखती है हंटर B-15 जहां वो पैराडॉक्स के अजीब डिमांड्स पर शक कर रही है। पैराडॉक्स को टीवी ने 10005 में नजर रखने के लिए कहा था पर वो उस यूनिवर्स को खत्म करने का प्लान कर रहा था मूवी में। अर्थ 10005 एक्समैन के किरदारों का यूनिवर्स है। ये शायद हंटर B-15 का पहला अपीयरेंस होता है इस फिल्म में। वैसे इस सीन में पैराडॉक्स कहता है कि अर्थ 10005 के लोगों के बारे में ये यू सीन द फाइल ऑन अर्थ 10005 इट्स टीमिंग अ ट्रबलमेकर तो एक्समैन स्पेशली लाल पगड़े जैसे बदमाश एक्समैन के लिए था। मार्शल अली का सपना टूटा नहीं है अभी तक क्योंकि ब्लेड पर डेवलपमेंट फिर से शुरू हो गई है। बीच में रूमर्स आए थे कि ब्लेड मूवी हो गई है कैंसिल, पर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि डायरेक्टर हाइमे सैमुअल से रिसेंटली मार्वल मिली है ब्लेड को लेके। इससे पहले बसम तरीक और यान दिमाज इस फिल्म के साथ अटैच थे एज डायरेक्टर्स अलग अलग टाइम में, ऑफकोर्स दोनों ने फिल्म को छोड़ दिया। इस सीन्स ब्लेड अभी भी एमसीयू की टॉप प्रायोरिटी है। साई अंकल उसे एक परफेक्ट मूवी बनाना चाहते हैं, अगर हाइमे सेलेक्ट हुए तो फाइनली ब्लेड पर काम शुरू हो जाएगा। वैसे भी काफी पनौती लगी है इस मूवी पर, मुझे तो लगता है कि कहीं ब्लेड पर किसी की नजर तो नहीं लगी। कैसा लगा आपको खबरों का ये जमावड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब भी दबा दो। आगे तक सीरीज के ब्रेकडाउन वीडियोस आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरों वाली वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू।
सबसे नर्डी व्यू की अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी।